आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की जंगली सुअरों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत। बोवनी के रोज ही फसल की नष्ट। बड़वानी जिले के ठीकरी के समीपस्थ ग्राम सिगवाल में कल सोमवार को ग्राम सिगवाल में 2 एकड़ जमीन में वीरेंद्र यादव ने मक्का बोया था। बोते ही सोमवार की रात्रि में जंगली सुअरों द्वारा दाने निकालकर पूरे खेत का मक्का बीज खा गए। किसान वीरेंद्र यादव ने बताया कि ग्राम में हमें पूरी रात जागकर चौकीदारी करनी पड़ती है। जब जाकर फसलें घर आती है, जो बीते कई माह से जंगली सुअरों के आतंक से सिगवाल, जड़वाह, उमलता, दवाना, रिसवा सहित पूरी तहसील के ग्रामों में दहशत का माहौल है। वहीं भारतीय किसान संघ द्वारा अभी 10 रोज पहले इस विषय को लेकर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन तहसीलदार ने कहा, ये वन विभाग का काम है, हम आपकी बात वहां तक पहुंचा देंगे, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। ज्ञापन के बाद भी कोई ठोस कदम न उठाने से ग्रामीणों में गुस्सा भी है। आरपीटीवी के लिए ये सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। वीरेंद्र, कहाँ रहते हैं? क्या मामला है? ये सुअरों ने फसल जो हमने कल लगाई थी, हाँ, मक्का हम लगा के जैसे घर चले गए शाम को, हाँ, रात में सुअरों ने पूरी फसल को खराब कर दिया, पूरे दाने निकाल के खा गए। हाँ। कितनी जमीन होगी अपनी? ये अपनी 2 एकड़ जमीन होगी। अच्छा, इसके पूर्व में कहीं शिकायत वगैरह कुछ की? इससे पहले हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया था, हाँ, लेकिन तहसीलदार महोदय ने हमारे ज्ञापन लेने से और पूरी कार्रवाई को सुनने से आनाकानी कर दी है। अच्छा, बोले वन विभाग में आप जाके कंप्लेन करो, ये हमारा मामला नहीं है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, वापस फसल लगाना पड़ेगी। हमने 3,000 रुपये का वापस बीज खरीदा है, वापस, हाँ, वापस फिर से नए तरीके से लगाना पड़ेगा बीज, पूरा हमारा नुकसान हो गया 3,000 रुपये का।